갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한 Okay everyone, start karte hain hamara topic. Sir, numericals karne wale hum log gravitation ke. Sir, numericals mein do type hain, ek type 1 aur ek type 2. Sir, pehle ye wala type karte hain. Okay? सर ये कैलकुलेशन इसका बहुत ज्यादा इजी है, बस थोड़ा फॉर्मूला कहाँ पे कौन सा लगाना है और कैसे वो करना है वो भी सिंपल ट्रिक्स में हम लोग सीख जाएंगे. ओके सर, पहले फॉर्मूला क्या है वो सब लर्न कर लेते हैं. इसके काइनेमेटिकल इक्वेशन सर न्यूटन के तीन. सर कौन कौन से तीन इक्वेशन है? सर पहला है वी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी. पहला क्या, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी. फिर दूसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. थर्ड है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके हाँ, सो सर पहले ये तीन फॉर्मुलेस को याद कर लो, वीडियो को पॉज करके फटाफट. क्या था वापस से एक बार, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके सर, यहाँ पे v को क्या बोल रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी. ये फाइनल वेलोसिटी मतलब अगर मैं कार से कहीं पे जा रहा हूँ, सो सर मैं अगर रेस्टोरेंट जा रहा हूँ तो रेस्टोरेंट पहुंचा, जब रेस्टोरेंट के आगे मेरी गाड़ी रुकी तब उसकी क्या वेलोसिटी थी, मतलब फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल मतलब जब मैंने घर से स्टार्ट किया तब कार की क्या वेलोसिटी थी, वो क्या इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग के टाइम पे. टी मतलब टाइम, कितना टाइम लेगा. ए मतलब एक्सेलरेशन. सर पहले स्टार्ट किया मैंने तब 5 किलोमीटर में था, बाद में 10, तो सर कितने का एक्सेलरेट हुआ, कितना स्पीड बढ़ी गया, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आना सर, उसका उसको क्या बोलेंगे मतलब एक्सेलरेशन. फिर सर एस मतलब डिस्प्लेसमेंट. ओके कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. सर सबका यूनिट लिखा है, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, फाइनल इनिशियल दोनों सेम. टाइम का यूनिट सेकंड, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट मीटर में. ओके सर अर्थ के केस में अगर हम लोग अर्थ, हमें अगर प्लेनेट या फिर अर्थ बोला है तो एक्सेलरेशन को क्या लेना पड़ेगा हमें, जी. जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये हमें पता है. या फिर ये नहीं दिया रहेगा तो 9.8 लेना, अगर दिया रहेगा तो जो दिया है ये 10 या फिर जो भी प्लेनेट का अलग अलग है. ओके फिर सर क्या लिखा, इफ द ऑब्जेक्ट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशन पुल. अगर ऑब्जेक्ट अगेंस्ट है ग्रेविटेशन पुल के तो जी क्या होगा, नेगेटिव और वाइस वर्सा. सर इसका मतलब क्या, सर अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने ऊपर फेंका और वो ऊपर जा रहा है इसके अगेंस्ट, अपना ग्रेविटेशन के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है ना सर, सो उस टाइम को क्या बोलेंगे, उस टाइम पे हमें जी क्या लेना पड़ेगा, माइनस में. ओके सर वैसे ही अगर नीचे आ रहा है तो प्लस में. सर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, अभी बस स्टेटमेंट याद रखो. ओके ओके सो अभी हम स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन हमारा दिख रहा है, एन ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड. एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है ग्राउंड पे पहुंचने के लिए. ओके सर सेकंड में दिया है, मतलब क्या दिया है, टाइम दिया है. ओके सर यूनिट देख के हम लोग पता कर सकते हैं. फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, सर मीटर 5 मीटर क्या दिया है सर, डिस्टेंस मतलब एस ना. हाँ ऑन अ प्लेनेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू क्या होगी प्लेनेट में. ओके सर जोरियन वापस से क्या है क्वेश्चन, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको 5 सेकंड लग रहा है. सर मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये दिख रहा है स्केच पेन, इसको ऊपर से नीचे जाने में 5 सेकंड लग रहा है, ठीक है. ओके सो मेरे को टाइम दिया है, हाइट दिया है कितना, 5 मीटर का डिस्टेंस है. सर और एक चीज दिया है सर, एक और चीज जो छुपी हुई है और हमें नहीं पता चल रहा है, सर यू स्टार्टिंग में. सर अगर मैंने जब इसको ऊपर से नीचे नहीं रोका हुआ है तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू जीरो सर. सो वही चीज. ओके तो सर मैंने गिवन लिखा, टाइम दिया है 5 सेकंड, स्पीड दिए और डिस्टेंस दिया है 5 मीटर ना. सर हाइट जो बोला वो मतलब डिस्टेंस है, ये पता चल गया मेरे को. ओके और सर क्या बोला, यू जो स्टार्टिंग में यू था वो कितना है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा. ओके हाँ सर अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सर पहले जो तीनों फॉर्मूले लिख देते हैं. क्या है तीनों फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. थर्ड क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सर इसमें एक ही चीज, सर मैं इक्वेशन में से एक टाइम पे सर एक ही चीज ढूंढ सकता हूँ, सर दो चीज नहीं ढूंढ सकता. ओके सर सर ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें मुझे एक ही चीज नहीं पता है, देखते हैं. सर इसमें स्टार्टिंग से वो करते हैं, सर v नहीं पता. ओके ढूंढना क्या है मेरे को सर, इसमें वैल्यू ऑफ जी ढूंढना है, जी ढूंढना है. ओके हाँ वी नहीं पता है सर, यू पता है, हाँ सर पता है, जीरो. ए मतलब सर जी, ये तो ढूंढना है सर, ये भी नहीं पता है. टी पता है सर, दो चीज पता है दो चीज नहीं पता है. सर दो चीज नहीं ढूंढ सकते एक क्वेश्चन में एक टाइम पे, सर पता है मेरे को भी. ओके सो सर सेकंड इक्वेशन में जाते हैं, वी नहीं पता है, यू
पता है, टू का वैल्यू फिक्स है, ए सर ए मतलब जी नहीं पता है, एस एस भी नहीं पता है, एस पता है ना, एस पता है सर, लेकिन इसमें भी एक टाइम पे दो चीज नहीं ढूंढ सकते, तो सर थर्ड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में सर एस पता है, यू सर पता है, टी पता है, ए सर ये ढूंढना है और टी पता है सर, इसमें दिख रहा है थर्ड इक्वेशन में सर एक ही चीज बाकी है, एक ही चीज ढूंढनी बाकी है सर, सो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। ओके स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन से। ओके सो मैंने लिख दिया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सर अभी एस की जगह पे कितना फाइव, यू की जगह पे जीरो, टी की जगह पे फाइव, हाफ ए की जगह पे सर जी लिखा। ओके टी टी स्क्वायर टी ना फाइव। ओके सर ऊपर से नीचे जा रहा है, अर्थ के इन्फ्लुएंस में जा रहा है, तो सर जी पॉजिटिव होगा सर, अगर नीचे से ऊपर जाता तो जी नेगेटिव होता। ओके सर फाइव है जीरो, फाइव जीरो फाइव सर जीरो, हाफ जी फाइव, फाइव का स्क्वायर फाइव इंटू फाइव। ओके सर फाइव ऐसा ही, हाफ जी फाइव इंटू फाइव। ओके सर जो नंबर है जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे, सर जी यहाँ पे अकेले, सर क्या हो गया फाइव देख रहे हैं सर, यहाँ पे ऊपर फाइव, ये टू ऊपर चले गया, फाइव और फाइव नीचे आ गए। ओके देख रहे जी का वैल्यू सर, अभी जी कितना हो जाएगा टू अपॉन फाइव, सर फाइव फाइव कैंसिल हो गया, तो टू और फाइव टू अपॉन फाइव बचा, टू अपॉन फाइव सर मैंने डिवाइड किया फाइव से, फाइव के टेबल में फाइव जीरो पॉइंट लगाया तो ट्वेंटी हो गया, फाइव फोर जो ट्वेंटी। ओके तो सर कितना वैल्यू मिला, जी का वैल्यू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चेक कर लो ये। ओके एवरीवन सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले थोड़ा। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक ऑब्जेक्ट जिसको मैंने वर्टिकली ऊपर फेंका, ओके रीचेस हाइट ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर मतलब क्या मिल गया मेरे को 500 मीटर सर डिस्टेंस। ओके एस व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, और कितना टाइम लेगा वो अर्थ में वापस आने के लिए, एज्यूम z इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके इसने एक ऑब्जेक्ट फेंका, ओके ऑब्जेक्ट को फेंका एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, यहां से ऑब्जेक्ट यहां पे चले गया, सर कितना हाइट है 500 मीटर सर, सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, कितनी वेलोसिटी में उसने स्टार्टिंग में फेंका सर यहां पे पहुंचा। ओके सो सर फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, सर फाइनल वेलोसिटी v कितना होगा, सर फाइनल वेलोसिटी सर ऊपर, सर एक एग्जांपल लेते हैं, सर मेरे पास 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, सर मैं फटाफट स्पीड में गया फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, सर 7th फ्लोर पे पहुंच गया मैं, 7th फ्लोर से मेरे को नीचे आना है, तो सर 7th फ्लोर पे जब मैं पहुंचा, 7th फ्लोर पे मैं पहुंचा तो मेरी स्पीड कितनी हो गई सर जीरो, वहां पे तो आके मैं रुक गया ना और फिर उसके बाद नीचे आया। ओके सो सर ये भी टॉप पे पहुंच गया, टॉप मोस्ट पे पहुंच गया, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो। ओके समझाइए, तो सर गिवन गिवन क्या क्या रहेगा एक बार देखते हैं, सर ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, हाइट मतलब सर डिस्टेंस कितना दिया है 500 मीटर, और सर क्या पता चला मेरे को जो छुपा हुआ टर्म ढूंढना इंपॉर्टेंट है 0 मीटर पर सेकंड। ओके और सर जी कितना बोला है मेरे को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके ओके एवरीवन सो सर अभी तीनों फॉर्मूला लिख के वही अपना स्टेप, पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके सर अभी देखते हैं कौन कौन सा वैल्यू हमें पता है और कौन सा ढूंढना है, सर v पता है, सर इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, a सर पता है, टाइम सर टाइम नहीं पता है ना मेरे को कितना टाइम लिया सर नहीं पता है। ओके सर यहाँ पे v पता है, u नहीं पता है, u ढूंढना है, सर टू है, a सर पता है, s पता है सर, सो कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हम लोग, सेकेंड वाला सर यूज करते हैं फॉर्मूला। ओके सो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना है सर, मैं पहले सेकेंड वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या है सेकेंड वाला फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ओके सर v कितना है, v सर जीरो मैंने बताया कैसे, सर यू कितना है, सर यू तो ढूंढना है मेरे को, सर टू टू तो फिक्स है, सर ए ए मतलब सर जी, लेकिन सर ऊपर जा रहा है मतलब अर्थ के अगेंस्ट, तो कितना आएगा माइनस जी। ओके सर एस मतलब क्या, एस मतलब सर 500 ना। ओके सर वैल्यू पुट की मैंने। ओके सर अभी जीरो यू स्क्वायर प्लस टू इंटू सर जी की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 10
इंटू 500 ना सर, ओके यू स्क्वायर माइनस ना सर, 10 वन सा कितना सर, 1 2 वन सा 2 माइनस 20 इंटू 500 कितना हो जाएगा सर, यू स्क्वायर माइनस 5 2 सा 10,000 ना सर, 1 2 3 3 0 और 5 2 सा 10, 3 0 और 1 10 ऐसा ना सर, ओके सर 10,000 नंबर इस साइड आ जाएगा, 10,000 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, सो सर टेकिंग स्क्वायर रूट अगर मैंने किया तो यू कितना हो जाएगा 100, सो सर यू कितना मिल गया मेरे को 100 मीटर पर सेकेंड ना, सो सर मेरे को यू मिल गया, लेकिन टू फाइंड में यू बोला था और एक और चीज बोला है सर, क्या टाइम टेकन ना सर, टाइम टेकन टाइम अभी कौन से फॉर्मूले से मिलेगा सर, अगर मैं फर्स्ट वाले में लगाऊं, फर्स्ट वाले में अगर अभी मेरे को वी मिल गया तो सर टी मिल सकता है, ओके सर वही यूज करते हैं, सो सर फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सर वी मेरे को वी जीरो है ना पता है मेरे को सर, यू यू की वैल्यू कितनी है सर, यू 100 ना ओके सर, प्लस ए ए कितना है सर, माइनस 10 इंटू टच सर, टी कितना है, टी ही तो ढूंढना है सर मेरे को ना, ओके जीरो इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10 टी सर, माइनस 10 टी इधर चलेगा तो प्लस 10 टी इज इक्वल्स टू 100 सर, टी डिवाइड हो जाएगा 100 अपॉन 10, जीरो जीरो कैंसिल, टाइम कितना मिल गया सर 10 सेकेंड्स, लेकिन सर यहां से नीचे से ऊपर जाने का मैंने टाइम पता किया ना अभी, सर मेरे को बोल रहा है ऊपर से नीचे वापस यहां से, सर मैंने यहां से कुछ पत्थर फेंका तो यहां से यहां पे गया, सो सर इसका ही टाइम मिला मेरे को 10 सेकंड सर, वापस से नीचे भी तो आएगा ये सर, सो प्लस करना पड़ेगा ना सर, टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम कितना होगा सर, 10 प्लस 10 सर टोटल कितना 20 सेकंड्स, ओके चेक कर लो, ओके सो थर्ड क्वेश्चन हमारा पढ़ते हैं एक बार, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड, मतलब टेबल में से एक बॉल गिरा नीचे और ग्राउंड पे गिरा इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में, अज्यूमिंग जी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या कैलकुलेट करना है हमें, स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड सर क्या होगा, टेबल से नीचे गिरा ना तो सर स्पीड नीचे पहुंचने में सर कौन सा स्पीड रहेगा, वी फाइनल वेलोसिटी रहेगा, ओके हाँ सो सर कैलकुलेट द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड हाइट ऑफ द टेबल, सर एक और हिडन रहेगा इसमें सर, एक जीरो हिडन रहता है सर, कौन सा रहेगा सर, इसको याद रखना है सबसे सिंपल, हमने दो सम किए सर, अगर मेरे को वी पूछेगा, मेरे से अगर वी पूछेगा तो मेरा यू जीरो रहेगा, और अगर यू पूछ रहे तो वी जीरो रहेगा सर, बेसिकली इसको ऐसे याद रखो, अगर मेरे को वी पूछ रहे तो यू जीरो और यू पूछ रहे तो वी जीरो, ओके सो सर स्टार्ट करते हैं, ओके सो एक टेबल इधर से बॉल गिरेगा हाँ सर, ये ग्राउंड पे ना, ओके टेबल से बॉल गिर रहा है ग्राउंड पे, कितने सेकंड में सर जो टाइम लग रहा है कितना, 1 सेकंड है, ओके और क्या है, अज्यूमिंग z इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, z कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सर, स्टार्टिंग में कितना रहेगा, u कितना रहेगा जीरो सर, लास्ट में v कितना होने वाला है ये पता करना है हमें ना, और जो हाइट रहेगी उसकी, हाइट मतलब s, सो क्या क्या पता करना है, एक मेरे को v पता करना है और दूसरा क्या, हाइट मतलब s, स्टार्ट करते हैं सर, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्या क्या दिया हुआ है, पहले मैं गिवन लिख देता हूँ, ओके सर गिवन लिखते हैं, क्या क्या है सर गिवन में, अभी सर पहले क्या बोला है, एक मिनट वापस से, बॉल्स फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचिंग द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, सर क्या है टाइम मेरे पास कितना है 1 सेकेंड, ओके सर और यह दिया जी दिया 10, ओके और सर क्या पता है मेरे को कि यू कितना है 0, सर वी पूछ रहे तो यू 0 और यू पूछेगा तो वी 0, ओके ये ऐसे याद रखेंगे हम लोग अभी के लिए, टू फाइंड क्या क्या फाइंड करना है, वी और एस, ओके सर देखते हैं कैसे, सर फॉर्मूला पहले लिख देते हैं तीनों, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
एटी स्क्वायर ना, हो गया सर। अभी देखते हैं कहाँ पे एक ही चीज़ मालूम, एक ही चीज़ ढूंढना है मेरे को, हो गया। कौन से फॉर्मूले में सर वी पता है? नहीं, वी ढूंढना है। यू पता है? हाँ पता है सर। ए मतलब जी पता है सर। टी पता है सर। सो फर्स्ट फॉर्मूले से मेरे को क्या मिल जाएगा? वी मिल जाएगा। और फिर सर अगर मेरे को वी मिल गया, ओके सो और मेरे को एस ढूंढना है। सो सर सेकेंड फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूंगा वी अगर मेरे को मिल गया तो यू है, टू है, ए है और एस भी मिल जाएगा। ओके सो स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है, फिर सेकेंड पता चल गया मेरे को। सो स्टार्ट करते हैं। ओके सो पहला क्या है? वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सर वी कितना है? वी तो ढूंढना है सर। यू कितना है? जीरो। ए कितना है? ए मतलब टेन। जी ना मतलब टेन। ओके सर नीचे जा रहा है मतलब अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशन में अर्थ के थ्रू अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कितना? पॉजिटिव टेन। ओके इंटू टी कितना है? वन। जीरो प्लस टेन वन जा टेन, जीरो प्लस टेन टेन। वी कितना हो गया? टेन मीटर पर सेकेंड। ओके ये मिल गया सर। और दूसरा क्या था सर? सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ना। सर वी कितना है? वी कितना मिला मेरे को? टेन। यू कितना है सर? जीरो। टू इंटू ए कितना है सर? टेन। एस कितना है? एस ही तो ढूंढना है सर। ओके टेन, जीरो से कुछ भी प्लस होगा तो हट जाएगा जीरो, तो हटा देते हैं। टू टेन, टेन टू जो ट्वेंटी, टू एस सर ये इधर डिवाइड होगा ना, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ट्वेंटी, उस साइड जाएगा तो डिवाइड। टेन अपॉन ट्वेंटी इज इक्वल्स टू एस, जीरो जीरो कैंसिल। सर कितना आएगा? वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू एस। सर हाफ का क्या होता है सर? जीरो पॉइंट फाइव मीटर। सर तो डिस्टेंस कितना था? जीरो पॉइंट फाइव। रीड करते हैं सर क्वेश्चन। एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। सर पहले इसमें क्या दिया? एक आयरन बॉल है सर, उसका मास है 3 kg। ओके सर एम दिया 3 kg, रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। हाइट मतलब सर क्या दिया? एस दिया है, कितना? 125 मीटर। एंड फॉल्स फ्रीली ऑन द ग्राउंड, और फ्रीली ग्राउंड पे गिर रही है, मतलब कोई और फोर्स नहीं। अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी भी दे दिए। ओके जी का वैल्यू दे दिए, बढ़िया। ओके कैलकुलेट, पहले क्या क्या कैलकुलेट करना है सर? टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच। सर इसमें एक हिडन होता है, वापस से हमें पता है सर। बॉल को मैं ऊपर से फेंक रहा हूँ सर, यू कितना रहेगा? जीरो। ओके ऊपर से बॉल जा रहा है तो यू कितना है सर? जीरो। ओके सर यू जीरो, ये हिडन है, ये पता चल गया मेरे को। अभी टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, मतलब कितना टी लेगा टाइम। वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब कितना वेलोसिटी आएगा, मतलब वी। यू वी दिया है तो मतलब यू जीरो रहेगा सर, ये भी कंडीशन से पता चल गया मेरे को। ओके सर द हाइट ऑफ द बॉल एट द हाफ टाइम इट टेक्स टू द ग्राउंड, मतलब ये कंडीशन थोड़ा समझते सर लास्ट में। ओके सर तीन चीज ढूंढना है मेरे को। तो सर पहले फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? पहले टाइम और फाइनल वेलोसिटी ढूंढते हैं। ओके सर, ओके सो सर क्या गिवन है लिखते हैं पहले, क्या क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है सर, लेकिन किसी भी फॉर्मूले में मास का यूज नहीं होता, मतलब बेवकूफ बना लेंगे मास दिया है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ओके सर फिर एस दिया है कितना? 125 मीटर। जी दिया है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके स्क्वायर सर, और क्या है पता है? यू हिडन है, जीरो। अभी सर पहले टी फाइंड करना है और दूसरा क्या फाइंड करना है? वी। ओके स्टार्ट करते हैं सर। पहला क्या फॉर्मूला है? वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सर वी है? नहीं सर, ढूंढना है। यू है? हाँ है। ए है सर? ए जी सेम है। टी सर टाइम भी नहीं है तो नहीं ढूंढ सकते यहाँ से। ओके सो सर सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सर वी है? नहीं सर, ढूंढना है। यू है? हाँ है सर। टू ए है? हाँ सर जी ए है सेम। एस सर? एस भी है। सो सर कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हम लोग? सेकेंड वाला। सर फिर अगर मेरे को सेकेंड वाले में मेरे को अगर वी मिल गया तो सर मैं फर्स्ट वाले से टाइम निकाल सकता हूँ ना, तो सर ये यूज करते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं। तो सर पहला कौन सा फॉर्मूला है? सेकेंड वाला। वी इज इक्वल्स टू यू प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सर वी कितना है? नहीं पता सर, ढूंढना है। यू स्क्वायर सर मतलब जीरो का स्क्वायर। टू इंटू ए मतलब कितना सर? टेन। सर नीचे गिर रहा है तो माइनस में नहीं रहेगा ना सर। एस कितना सर? 125। जीरो स्क्वायर सर? टू टेन सर 20 इंटू 125। ओके सर 125 का डबल 250, 250 सर 10। हो गया सर वी स्क्वायर मिला है मेरे को। सो सर टेकिंग स्क्वायर रूट करके मैंने किया। सर वी कितना हो जाएगा?
25 किसका होता है, 5 का, और सर 10 50 मीटर पर सेकेंड, ये है फाइनल वेलोसिटी। ओके सो सर अभी क्या यूज करना था, फर्स्ट वाला फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके सर v कितना है सर, 50, u कितना है सर 0, a कितना है 10, और सर t कितना है, t तो ढूंढना है सर। ओके 50 इज इक्वल्स टू 10t, 10 इस साइड चले जाएगा, 50 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू t, 50 अपॉन 10, ओके सॉरी 0 0 कैंसिल सर 5, टाइम कितना मिल गया सर 5 सेकेंड। ओके सर अभी थर्ड वाला कंडीशन एक बार पढ़ते हैं, हाइट ऑफ द बॉल एट रीचिंग हाफ टाइम, मतलब हाइट क्या होगी बॉल की जब वो आधे टाइम पे, मतलब 5 सेकेंड लग रहे हैं पूरा नीचे पहुंचने के लिए, सर अगर 2.5 सेकेंड में बॉल कहां पे पहुंचेगी, ये पूछ रहा हूं 2.5 सेकेंड में बॉल कहां पे पहुंचेगी, सर अभी इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा हाफ टाइम, सर पहले हाफ टाइम देखते हैं हम लोग, हाफ टाइम कितना हो जाएगा, सो सर हाफ टाइम कितना हो जाएगा, अभी जो टाइम है उसका आधा, सर अभी कितना टाइम है 5, 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5 सेकेंड ना। ओके सो सर हाफ टाइम है, बाकी सब सेम, सर एस का फॉर्मूला लगाओ हाफ टाइम में, सर एस का फॉर्मूला क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सर यू कितना 0 इंटू टी मतलब 2.5, हाफ ए कितना सर 10 इंटू 2.5 का स्क्वायर ना सर, 2.5 इंटू 0 सर 0 हो जाएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 वन 2 कितने 5 ना, 5 इंटू सर 25 का स्क्वायर पता है मेरे को 625, सर दो नंबर के बाद पॉइंट 6.25। ओके सर 5 इंटू 6.25 मल्टीप्लीकेशन करना है सर, कर लेते हैं 6.25 इंटू 5, 5 सर 25, 5 टू सर 10, 11 12 30, 31, 3125 कितने नंबर के बाद पॉइंट सर, दो नंबर के बाद राइट से 31.25 मीटर सर, सो हाफ टाइम में कितना कहाँ पे पहुंचेगा वो 31.25 मीटर में। ओके समझा, चेक कर लो एवरीवन। हाँ सो सर क्वेश्चन क्या हमारा, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन एंड रीचेस एट अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर बिफोर कमिंग डाउन, मतलब जो एस दिया हमें, एस दिया हुआ है सर कितना है 4.05 मीटर। ओके वट वॉज इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू कुछ होगा सर, फाइनल वेलोसिटी कितना होने वाला है 0, इनिशियल दिया हुआ है तो ना, इनिशियल पूछा है तो फाइनल 0। ओके ओके हाउ मच टोटल टाइम विल बी विल इट टेक टू कम डाउन, सर टोटल टाइम कितना लेगा, तो स्टार्ट करते हैं, और सर जी का वैल्यू कितना है 10। ओके सर मेरे को एक और डाउट आएगा कि सर मेरे को हिडन हमेशा कैसे पता चलेगा, सर मैं आपने तो बोल दिया कि अगर वी ढूंढना है तो यू, यू ढूंढना है तो वी। ओके सर लेकिन हिडन हिडन वैल्यू सर मेरे को कैसे पता चलेगा, सर जब भी वेलोसिटी, ओके सर ऊपर के पोजीशन पे जो वेलोसिटी रहेगा सर, जैसे कि मैंने यहां से बॉल फेंका सर ऊपर के पोजीशन पे, सर जब हवा में जो वेलोसिटी है उस इनिशियल रहेगा, फाइनल हमेशा 0 होगा। सर कैसे, अगर मैंने नीचे से बॉल फेंका, ओके सर सर सो यहां पे कौन सा आएगा, वी आएगा, सो इस केस में क्या होगा वी 0। ओके सर अगर मैं यहां से नीचे फेंक रहा हूं, ठीक है सर, यहां पे क्या होगा यू, तो यहां पे इस केस में यू 0। ओके सर याद रहेगा जो भी हवा के केस में है, ऊपर के केस में वी या फिर यू 0 होने वाला है। ओके सो स्टार्ट करते हैं सर ये क्वेश्चन, एक बार ये क्वेश्चन वापस से देखते हैं, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन, सर इसमें ऐसे ही ऐसे फेंका टेनिस बॉल को ऊपर फेंका, हाइट कितना हाइट है सर, एस कितना दिया हुआ है 4.05 मीटर। ओके और वो कितना 4.05 नीचे आने से पहले सर उसका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा और कितना टाइम ले रहा है। ओके सर गिवन लिख देता हूं मैं पहले यहाँ पे, सर क्या है गिवन में, सर पहले मेरे को दिया हुआ है कि एस कितना है 4.05 मीटर ना, और क्या दिया हुआ है सर, सर उसका फाइनल वेलोसिटी वी मेरे को पता चल गया 0 है मीटर पर सेकेंड, सर जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके हाँ सो सर अभी क्या पूछा क्या क्या वो भी लिख देते हैं, क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब सर यू फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, मतलब सर क्या टोटल टाइम, मतलब सर क्या टाइम, टोटल टाइम सर एक ही टाइम का नहीं, दो बार प्लस करना पड़ेगा सेकेंड वाले सम। ओके हाँ सर सर स्टार्ट करते हैं तीनों फॉर्मूला वापस से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ओके
एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके सर, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा गेस करते हैं। ओके सर, क्या क्या दिया हुआ है सर? यहाँ पे वी है, हाँ है, यू है सर, यू ढूंढना है, वी है, यू ढूंढना है, यू नहीं है, ए है सर, है टी है सर, टाइम भी नहीं है। सो सर फर्स्ट वाला नहीं यूज होगा। सेकेंड वाला सर वी है, नहीं है सर, है है, यू है सर, यू ढूंढना है, नहीं है, टू ए है सर, मतलब जी है सर, एस है। सो सर सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और किसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग? यू की। सर यू की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी तो टाइम भी निकल जाएगा। ओके करते हैं सर फिर स्टार्ट। ओके क्या है फॉर्मूला? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ओके सो सर वी कितना था? जीरो। यू कितना है सर? पता करना है मेरे को, टू इंटू ए। ए कितना है सर? टेन। टेन सर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? सर ऊपर जा रहा है तो माइनस में, तो सर माइनस टेन होगा। जीरो इंटू यू स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस टेन। सर मैंने गलत किया, देखा, ऐसा गलत नहीं करना है। एस कितना है? 4.05। ओके सो सर क्या हो जाएगा? जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू टेन्स आ माइनस 20 इंटू 4.05 ना। अभी कितना सर? यू स्क्वायर सर फोर डबल कर दो सर, फोर का डबल एट, फाइव का डबल टेन, फोर का डबल एट, फाइव का डबल टेन। सर नहीं समझ रहे तो मल्टीप्लाई कर लो। ओके ना सर, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, फाइव टू ज टेन, फिर फोर टू ज एट ना। ओके सर पॉइंट कितने नंबर के बाद आएगा? सर दो नंबर के बाद पॉइंट आने वाला है सर, और ये एक जीरो है तो एक जीरो और आ जाएगा, और कितने नंबर के बाद पॉइंट? दो। तो सर यू स्क्वायर इज माइनस 81 81.00 हटा दिया मैंने, पॉइंट के बाद जीरो सेम ही रहता है ना, माइनस 81 इस साइड आ गया सर। सर कितना हो जाएगा? प्लस 81 इज इक्वल टू यू स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। सर यू कितना हो जाएगा? 9। सर यू मिल गया मेरे को 9 मीटर पर सेकेंड। सर मेरे को यू ढूंढना है और सर टाइम ढूंढना है। टाइम स्टार्ट करते हैं सर। टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। सर वी कितना है? सर वी जीरो है। यू कितना है सर? 9। ए कितना होगा सर? माइनस 10। और सर टाइम कितना? टाइम ढूंढना है मेरे को। ओके ना सर, ऐसा ही रहेगा। हाँ सर, अभी जीरो इज इक्वल टू 9 माइनस 20। माइनस 20 इस साइड चले जाए तो कितना आ जाएगा सर? प्लस में चल हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 9। सर टी कितना? 9 अपॉन 10। सर नीचे एक जीरो, ऊपर एक नंबर के बाद पॉइंट, कितना आ गया? 0.9 सेकेंड। सर लेकिन ये तो एक टाइम का टाइम मिला ना सर, टोटल टाइम कितना होगा? कितना होगा सर टोटल टाइम? 0.9 प्लस 0.9 कितना हो जाएगा? 9 और 9 सर 18। और सर कितने नंबर के बाद? सर एक नंबर के बाद पॉइंट। ओके मल्टीप्लाई नहीं कर रहा सर। ओके 1.8 सेकेंड्स। सो सर स्टेटमेंट लिख देना लास्ट में, चेक करो थोड़ा। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.